Welcome friends to my channel. Before going to start our video, please subscribe my channel, hit the bell icon and don't forget to like and share my video with your friends. Thank you. Shalom Aleichem. Yesu Masih ka murdo mein se zinda hona pehla phal kaise hua? Jabki Yesu Masih se pehle bhi murde zinda hue hain. जी बिल्कुल, ये ख्याल और सवाल बहुत मुनासिब है। बेशक यीशु मसीह पहली शख्सियत ना थी जो जिंदा हुए। गालबन इस सवाल का मकसद ये है कि ये साबित किया जाए कि यीशु ने जिंदा होकर कोई बड़ा काम नहीं किया। पहली बात ये कि यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना और मुर्दों का जिंदा किए जाने में भी फर्क है। मैंने कहा कि पहली बात यह है कि यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना और मुर्दों का जिंदा किए जाने में भी फर्क है। दूसरी बात यह है कि यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना अब्दुल्लाबाद के लिए है, जबकि जो यीशु से पहले मुर्दे जिंदा हुए या बाद में जिंदा हुए, उन सब ने बाद में मौत का मजा जरूर चखा। कोई आसमान पर जिस्म में जिंदा मौजूद नहीं। हाजिर निगरामी, आइए आज इन तीन बातों पर गौर करते हैं। मैं हूं आप सबका होस्ट वसीम शाह और आप सब देख रहे हैं WSV Point चैनल। अगर आपको इस चैनल से लगाव है और आप इस चैनल के तवसल से कुछ सीखते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें कोई पैसे नहीं लगते और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। इसी से आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और याद रखिए, WSV Point सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि अपनी कौम के लिए एक रूहानी और जिस्मानी मदद की है। इसमें अगर आप मेरे पार्टनर या मेंबर बनना चाहें तो जरूर अपना हिस्सा डालिए। अगर आप अपने हदीये भेजना चाहें तो नीचे मेरे अकाउंट्स मौजूद हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपके हदीये या तहाइफ रायगा नहीं जाएंगे। सलामत रहिए। आइए सवाल के जवाब की तरफ। पहली बात, इस सवाल से एक बात तो साबित होती है कि यीशु जिंदा जरूर हुए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात यह कि यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना और मुर्दों का जिंदा किए जाने में फर्क है। अगरचे कलाम एकदस में ये मरकूम है कि यीशु को मुर्दों में से जिलाया गया, जैसे कि ये बात हमें सबसे पहले मुकद्दस लूका बताते हैं। अमाल की किताब 3 उसकी 26 आयत में वो कहते हैं कि खुदा ने अपने खादम यानी मसीह यीशु को उठाकर, मतलब जिंदा करके, पहले तुम्हारे पास यानी यहूदियों के पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। आमीन, आमीन। इसी तरह अमाल 14:10 में भी ये मरकूम है कि तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो। क्या मालूम हो? कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। आमीन, आमीन। इसके अलावा मजीद अगर हवाले देखना चाहें तो याद रखें कि सिर्फ अमाल की किताब में ऐसे 8 हवाला जात मौजूद है। अगर मैं इन 8 और बाकी तमाम हवाला जात को पढ़ना शुरू करूं या इन हवाला जात को हम बारी बारी देखना शुरू करें तो वीडियो काफी तावील हो जाएगी। लिहाजा सबूत देने के लिए ये 2 हवाले ही काफी हैं, क्योंकि बाज पादरी हजरात इस बात को समझे बगैर सिर्फ यही कह देते हैं कि यीशु खुद से जिंदा हुए, और बाद सिर्फ यह कहते हैं कि वो खुद से नहीं बल्कि उन्हें बाप ने जिंदा किया। दोनों फ्रीकैन के ये नजरियात असल में उनके अपने अपने ईमान का दिफा करना मतलब होता है, लेकिन असल में दोनों की बात मुकम्मल सच्चाई भी नहीं। अजीजों, जहां यीशु को मुर्दों में से जिंदा किए जाने के हवाले मौजूद हैं, वहां उसके जिंदा होने के हवाले भी मौजूद हैं। आइए मेरे साथ देखिए मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 28 बाब, उसकी 6 आयत।
वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आमीन। इसी तरह पहला थिस्सलुनीकियों चौथा बाब उसकी 14वीं आयत में मौजूद है कि क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसके साथ उसी के साथ ले आएगा। आमीन। हाजिर निगरामी, पहले दो हवाले साबित करते हैं कि यीशु को बाप ने जिंदा किया, और दूसरे दो हवाले ये साबित करते हैं कि यीशु खुद जिंदा हुए। और यहां मैं ये साबित करना चाहता हूं कि यीशु ने यूहन्ना 10वें बाब उसकी 30वीं आयत में कहा कि मैं और बाप एक हैं। आमीन। फिर वो यूहन्ना 5वें बाब उसकी 19वीं आयत में कहते हैं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है। आमीन। अजीजो, हम यीशु को खुदा किस लिए कहते हैं? इसलिए कि वो खुदा है, वो जिस्म में खुदा है, यानी जिस्म के अंदर खुदा का रूह है। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 6वां बाब उसकी 63वीं आयत में कहते हैं कि जिंदा करने वाली तो रूह है, और फिर वो तो कल खुद कलाम है, वो खुद कलमा है जो खुद जिंदगी का बानी है, और वही कलमा खुदा के मुंह से निकला। इसलिए मुतकलम और कलमा दो नहीं बल्कि एक ही होते हैं। इसीलिए यूहन्ना 14वां बाब और 6वीं आयत में जाने का जिक्र नहीं है, जाने का जिक्र नहीं है, बल्कि क्या जिक्र है? आने का। यीशु मसीह फरमाते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। आने का जिक्र है, यानी बाप और बेटा दोनों एक ही हैं। लिहाजा खुदावन्द यीशु मसीह के जिंदा होने के मामले को इंसानों ने मुख्तलिफ तौर पर दर्ज किया। कुछ ने बाप से जिंदगी ताबीर की और कुछ ने यीशु ही से, लेकिन किसी एक को फोकस बनाकर अपना नजरिया बना लेना या कायम करना बेहतर नहीं, बल्कि इफिसियों 4वां बाब उसकी 6वीं आयत को मद्देनजर हमेशा रखना चाहिए। और याद रखें इस आयत को जहां मरकूम है कि और सब का खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। आमीन। और यकीनन खुदा बहसियत बाप सबसे ऊपर, खुदा बहसियत बेटा सबके दरमियान, और खुदा बहसियत रूह सबके अंदर है। लिहाजा खुदावन्द यीशु अल मसीह का मरना असल में उनका आम या दुनियावी जिस्मानी दौर का इख्तिताम होना है, यानी वो जब मरते हैं तो उनका दुनियावी दौर, उनका आम जिस्मानी दौर खत्म होता है। वो जब जिंदा हुए तो आम या दुनियावी बदन में जिंदा नहीं हुए, जैसे एलिया ने मुर्दा जिंदा किया या लाजर वगैरह जिंदा हुए, तो वो आम और दुनियावी मादी जिस्म से ही जिंदा हुए, जबकि यीशु मसीह का जिंदा होना जलाली बदन के साथ हुआ। इसीलिए उन पर दुनियावी असूल कारीगर ना होते थे, उनके लिए बंद दरवाजे या दीवारें कोई मानी नहीं रखती थी, उनके लिए खाना या ना खाना कोई मानी नहीं रखता था, उनके लिए जमीन की कशिश ग्रेविटी कोई मानी नहीं रखती थी, इसीलिए वो जिस्म के साथ ही आसमान पर साउथ फरमा गए। तीसरी बात ये कि यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना अब्दुलबाद था, यानी कि हमेशा से हमेशा के लिए है, अब्दुलबाद के लिए है, जबकि जो यीशु से पहले मुर्दे जिंदा हुए या बाद में हुए, उन सब ने बाद में मौत का मजा जरूर चखा। कोई आसमान पर जिस्म में जिंदा मौजूद नहीं। एलिया नबी ने जो मुर्दा जिंदा किया उसके लिए कहीं रकम नहीं कि वो हमेशा के लिए जीता रहा, या लाजर के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए जिससे मालूम हो कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, बल्कि क्रिसियाई मुख्तलिफ ज़राए और रवायात से मालूम होता है कि लाजर ने बाद में मशरिक़ वस्ता में वफात भी पाई और कब्र आज तक मौजूद है।
लिहाजा यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना पहला फल ऐसे साबित होता है कि वो आम या दुनियावी जिस्म लेकर जिंदा नहीं हुए, बल्कि क्रंथियों पहला क्रंथियों 15 बाब उसकी 43वीं आयत के मुताबिक जलाली बदन के साथ जिंदा हुए और फिर यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हुए। फिर मौत उन पर आने की नहीं, बल्कि उन्होंने तो ग्रंथियों 15:55 के मुताबिक मौत पर फतह पाई, जबकि यीशु मसीह से पहले या बाद में जो मुर्दे जिंदा हुए वो सब दोबारा मरे या मरते हैं। हालेलुया। उम्मीद है कि अब आप इस सवाल का जवाब बेहतर अंदाज में दे सकेंगे। सलामत रहें।